हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी जॉइन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियो को अपलोड कर दिया है, यदि आपने उनको ना देखा तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए थे आपको कल, इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ 11 नंबर से, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है इंटीग्रेशंस 1 - a² / 1 + a² · dx। तो देखिएगा दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको। आप देखिएगा, हर वाले पद को 1 + x² लिखा है, तो इसी को अंश को भी आपको इसी प्रकार से बनाना होगा। तो आप यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा, तो बचेगा आपके पास में 1² - 1 और नीचे बचेगा 1 + x², ठीक है। नीचे की तरह बनाना है तो प्लस वन और एक माइनस वन कर देंगे, ठीक है, (dx)। बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहे हैं दोस्तों। माइनस का वन यहाँ पर आ जाएगा और 1² + 1 आपको लाना है, क्योंकि हर में दिया गया है, तो 1² + 1 (dx), ठीक है। माइनस माइनस ये देखिएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस का 2 और ये वाला माइनस अंदर प्रवेश करेगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा और भाग दे रहे हैं तो 1 + x² यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में ये तो हो गया 1, ठीक है, माइनस का 1 (dx) प्लस ये 2 है और ये 10 inverse x का लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 10 inverse x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 10 inverse x। और 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, -x हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया। प्लस का 2 10 inverse x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि -x + 2 10 inverse x प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन (sin²x/2) · dx। तो देखिएगा दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 10th, 9th and 11th, 12th इन कक्षाओं में आपने एक सूत्र पढ़ा था cos2x वाला। तो देखिए क्या होता है, cos2x बराबर आपने पढ़ा था साइन के पदों में 1 - 2 sin²x, क्योंकि यहाँ पर 2x है, इसका हाफ एंगल x आया है यहाँ पर, और यहाँ पर x/2 है, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, cos x बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin²x/2 ये होता है। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, sin²x/2 की, तो sin²x/2 इधर आप ले आएंगे, क्या बचेगा, 1 - cos x/2, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, तो 1 - cos x/2 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशंस 1 - cos x/2 · dx। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हाफ, cos x का करेंगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव sin x। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, (x/2 - sin x/2) + ∫c। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि (dx/1 + sin x) का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसे आप दोस्तों सैगमी से भी गुणा कर सकते हैं, जो हर की सैगमी से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हर की सैगमी होगी अंश में 1 - sin x, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin²x, तो 1 - sin²x, ठीक है। इतना करने के बाद में 1 - sin x टोटल अपन क्या हो जाएगा, ये 1 - sin²x = cos²x, ठीक है। ये कहाँ से मिला है, (sin²x + cos²x) = 1 से मिला है, ठीक है, (dx)। अब देखिएगा, 1 से इसे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, (sec²x) माइनस का (sin x) / (cos²x) है, तो इसे आप लिख सकते हैं (tan x)
इंटू सेक एक्स, ठीक है, कितना कर दिए डी एक्स यहाँ पर लिख दे रहा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, क्या होता है टेन एक्स, टेन एक्स कर दिए, माइनस लगाए माइनस लगा दीजिए, टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या क्या पढ़ा है, सेक एक्स लिख दिया प्लस सी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा मिल रहा है टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉस टू एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये पढ़ा हुआ था, ये हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिएगा इसको भाग दे दीजिएगा इससे और इसमें दे दीजिएगा, इसमें दे दीजिएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कॉस से कॉस ये कट जाएगा ना, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो रहेगा क्या कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ये साइन से साइन चला जाएगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा था, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, माइनस लगा माइनस लगा दीजिएगा, लिखा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या पढ़ा था टेन एक्स, तो टेन एक्स कर दिया अभी भी किया था, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा माइनस का कॉट एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइनस का कॉट एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, चौदह नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वन प्लस कॉस टू एक्स अपान वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसे देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में वन लगाए तो सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए इस वन को हटाना, तो आप ऐसे फार्मूला लगाएं कि दोनों वन हट जाएं, ठीक है, तो इसे देखिएगा ये वन माइन प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये वन से ये वन चला जाएगा, ये वाले वन से ये वन चला जाएगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाले वन से ये चला जाएगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन टेन कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, तो कॉट एक्स कर दिया, माइनस लिखा है माइनस वन का हो जाता है एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी, तो देखिएगा माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिला है राइट आंसर, माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गए दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टूडियो को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों इसे कैसे आप सॉल्व करते हैं, उसी फार्मूले से करेंगे, कॉस टू एक्स से आपको साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना पड़ेगा, फर्क इतना ही है कि वहाँ पर एक्स बाई टू था और यहाँ पर एक्स दिया गया है, तो ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, कॉस टू एक्स बराबर आपने पढ़ा है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये पढ़ा है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो क्या आएगी, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस का टू एक्स टोटल अपॉन टू आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो रख दीजिएगा इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स, इधर हाफ को बाहर लिख दीजिएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा यह हाफ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, वन का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स के क्या हो जाएगा साइन का टू एक्स, ठीक है, साइन टू एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन करना पड़ता है टू एक्स का, तो टू एक्स का करेंगे टू इंटू वन, तो क्या आ गया साइन टू एक्स अपॉन टू। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई देखिएगा हाफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑप्शन मिल रहा है, आंसर मिल रहा है,
आप ब्रैकेट में एक्स माइनस साइन टू एक्स अपान टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए दोस्तों इसी कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, इसमें आपको मानना पड़ेगा कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू टी, इसका इस हिसाब से आकलन करेंगे तो क्या रहेगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है डी टी आ जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, डी टी लिख दिया। एफ एक्स इज की माना था टी, तो टी हो गया, ठीक है। और इसका आकलन आप जानते हैं वन पॉइंट टी का क्या हो जाता है, लॉग टी, और टी किसे माना था एफ एक्स को, तो एफ एक्स कर दीजिएगा एफ एक्स। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देखिएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉग एफ एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ डैश एक्स टोटल अपॉन एफ एक्स इंटू लॉन्ग एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे भी उसी प्रकार से करना है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, माना एफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है डी टी। तो वैल्यू को पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा डी टी, ठीक है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, एफ एक्स बराबर होना था टी, टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग का टी। आप देखिएगा इसे आपको दोबारा मानना पड़ेगा, टोटल पूरा आपके पास में क्या आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन टी लॉग का टी, ठीक है डी टी इतना आया आपके पास में, आपको पुनः मानना पड़ेगा। तो पुनः लॉग टी बराबर कुछ भी मान लीजिएगा आप, पी मान लेते हैं, ठीक है पी, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी आ जाएगा। यहाँ पर जब वैल्यू पुट अप कर देंगे तो वन अपॉन लॉग टी टी की जगह क्या लिख देंगे लॉग इस लॉग दो लॉग टी बराबर माना था पी, तो पी रख देंगे, ठीक है तो वन अपॉन पी, ठीक है और वन अपॉन टी इंटू डी टी की जगह पर डी पी आ जाएगा इंटू डी पी, ठीक है तो वन अपॉन पी की जगह हो जाएगा लॉग का पी प्लस का सी, पी किसे माना था लॉग टी को, तो लॉग टी। अब आपने टी किसे माना था एफ एक्स को, तो उसका भी मान रख दीजिएगा लॉग लॉग एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है आंसर लॉग लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि वन अपान वन प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देखिएगा लिखा इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस कॉस टू लिखा है, तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है डी एक्स, ये वन से वन चला जाएगा, हाफ बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन वन अपान कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया हाफ। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, टेन एक्स लिख दिया प्लस का सी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आप टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिएगा इसी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उस फार्मूले से, इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा साइन वाला, ठीक है क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है, ठीक है माइनस का लगाओ तो साइन वाला लगाना, प्लस हो तो कॉस वाला लगा देना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर यार, ठीक है इंटू डी एक्स, तो ये वन से वन चला जाएगा, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा
इंटू डी एक्स, ये हाफ है तो हाफ इसी को बाहर लिख लीजिएगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिएगा तो कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा आप, माइनस कॉट एक्स अपॉन टू प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।